अच्छा, अगर मैं आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि आप ये बात कैसे पता कर सकते हो कि वो लड़की आपके करीब आना चाहती है, तो कितने लोग मुझे सही तरीके से समझा सकते हैं बात? तो कुछ लोग मुझे ऐसा कहेंगे कि सर, लड़की अगर करीब आना चाहती है तो जाहिर सी बात है वो हमसे बात करेगी। सर, अगर वो लड़की हमारे करीब आना चाहती है जाहिर सी बात है वो हमें बार बार दिखेगी। सर, अगर वो लड़की हमारे करीब आना चाहती है तो वो हमसे कुछ ऐसी पहल करेगी जिससे कि हमें समझ में आएगा। मगर मेरे भाई, ये तो बेसिक पॉइंट है यार, जो कि सबको पता होती है। क्या रियल पॉइंट आपको पता है? अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और भाई, मैंने इंस्टाग्राम पर आपको बोला था ना फॉलो करने के लिए, मगर आप में से बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर आए, मगर मैसेज करने वाले तो बहुत लोग आ गए यार। ये कौन सी बात यार, फॉलो करो यार। अगर आपको चैनल इंटरेस्टिंग लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे अपलोड होती रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर उसको आपके करीब आना है ना, वो चाहे एक वुमन हो या फिर चाहे एक गर्ल हो, तो सिंपल सी बात है, उसकी जो थॉट होगी ना, उसकी जो सोचने की क्षमता होगी, कुछ इस प्रकार की होगी जिसको देख करके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये तो एक कपल्स ही दूसरे कपल्स को गाल सकता है, या फिर दे सकता है, या फिर बोल सकता है, फिर उसके लिए कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका बॉयफ्रेंड या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कर सकती है, जैसे कि कुछ बातें बोल रही हो तो बातें बोलते बोलते कुछ रोमांटिक टॉक कर लिया आपके साथ, कुछ अगर गिफ्ट दे रही हो तो गिफ्ट देने के साथ कुछ ऐसी रोमांटिक गिफ्ट दे रही है जो कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे ही अच्छा लग सकता है। अगर कुछ वो स्वभाव दे रही है, कुछ कह रही है, तो कुछ इस तरीके से बात करके जैसे कि आप उसके हस्बैंड हो और वो आपकी वाइफ है, या फिर आप उसके बॉयफ्रेंड हो और वो आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ इस तरीके से उसका ट्रीट करने का तरीका होगा। अगर वो इस तरीके से ट्रीट कर रही है, ऐसे शो करवा रही है, तो समझ जाओ भाई कि वो आपसे क्लोजनेस बढ़ाना चाहती है, वो आपके करीब आना चाहती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि उसके बोलने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से मुझसे बात करती है, बात करने के दौरान कितना टची बिहेवियर है उसका, और क्या क्या मुझसे शेयर करती है, और किस तरह का मुझे गिफ्ट देती है। देखो, गिफ्ट देना तो बहुत कम केसों में होता है, मगर गिफ्ट मतलब समझ रहे हो क्या गिफ्ट होता है। जरूरी नहीं है कि वो कांच में पैक करके ही देना हो। गिफ्ट मतलब ये भी होता है कि आपके सामने अचानक से आना, बात करना, समय एक्स्ट्रा देना, या फिर ऐसा कुछ, इसे भी गिफ्ट ही कहा जाता है ना। तो ये चीज़ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मतलब कि वो आपके करीब आना चाहती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि समझिए, अगर मैं बेसिकली कुछ बातें करूँ तो देखो समझो, अगर हमें कोई पसंद होता है तो हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारे करीब आए और हमसे बात हो सके, और देखा जाए तो हमारी वो दोस्ती या फिर जान पहचान एक्स्ट्रा बढ़ सके, है कि नहीं। मगर यहाँ पर वुमन और गर्ल में इतनी सी डिफरेंट होती है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे पार्ट दिखाती है जिससे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। लाइक जैसे कि लिप्स, उसके हेयर, उसके शोल्डर, उसके चिक्स, उसकी आईज, उसकी नोज, कुछ भी हो सकता है, बहुत से पार्ट है, और जो आप सोच रहे हो ना वो भी पार्ट हो सकता है, ठीक है ना, जो आपके थिंग्स में भी आ रही है, उसको भी दिखा करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, हमेशा आपके सामने आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से चलना, जैसे कि आपको रेड कलर के ड्रेसेस, कपड़े, ये कुछ भी ऐसा कुछ पसंद है तो जाता है वो आपके सामने रेड कलर का ट्राई करके आती है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो पहले एवरेज दिखती थी मगर अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, व्हाटएवर, ऑल दिस स्टफ, कुछ ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। तो समझो भाई कि क्लोजनेस बढ़ना चाहता है, वो आपके करीब आना चाहती है, वरना वो चेंजिंग जो की है अपने अंदर, वो स्पेशली आपको लेकर ही क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं था उसके अंदर ये सब चीज़ें। सिंपल सी बात है भाई, वो आपके क्लोज आना चाहती है, मगर आप ये चीज़ कभी ऑब्जॉर्व नहीं करते हो, क्योंकि भैया आप तो प्योर में अंधे हो जाते हो ना, मगर मेरी जान उतनी अंधे हो ना जितनी जरूरत है यार। आके रखो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। एंड इसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर वो आपके सच में करीब आना चाहती है तो आपको उसके बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए। अगर आप उसके बिहेवियर को नोटिस करते हो ना, तो आपके सवाल का जवाब तो यूं ही मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं उसके साथ बैठा हूँ और उसके साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, फ्रेंड है, जो भी कुछ है, तो उतना वो फ्रैंकली, ओपनली, क्लोजली आकर के बात नहीं कर रही है, उतना ओपनली मुझे नहीं बात करती है, ना समझाती है, ना समझती है, कम बात करती है, कम बोलती है, मगर जैसी थोड़ा सी भीड़ कम होती है तो आकर के चिपक कर बैठ जाती है। बात करने के दौरान कई बार तो टची बिहेवियर भी चलता है हमारा, कि मतलब हाथ पकड़ लिया, कभी शोल्डर पर हाथ रख दिया, कभी बाल खींच लिया, तो कभी टी शर्ट खींच लिया, ऐसा भी मजाकिया नेचर चलता रहता है। और इसी के साथ साथ जब वो लोग सब चले जाते हैं तभी मुझसे बहुत ज़्यादा बात करती है, आँखें उठा करके बात करती है, शर्माती भी है मगर बातें भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। और अगर इसके अलावा आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आप उसके समय बात करते समय किसी और पर ध्यान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, तो उसका मुँह फूल जाता है। मुंह फूल जाना लाइक जैसे कि आप उससे बात कर अपने फ़ोन पे लग गए तो उसका मूड ख़राब हो जाना, आपको कहना कि यार ये कौन सी बात होती है, आप मुझसे बात कर रहे हो ना, ऐसा कुछ।
अगर आपको ये सब चीज देखने को मिल रही है तो मतलब आपके करीब आना चाहती है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, मगर मुझे लगता है भैया कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बनाया था डेमो एक तरह से, कि अगर आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाते हो तो हम इससे बड़ा पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको मैं कम से कम 18 से 20 साइन बताऊंगा। तो ये सिर्फ डेमो के तौर पे था। अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो कमेंट यस पार्ट 2 प्लीज कमेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझको पर्सनली टॉपिक वीडियो बनवानी है मुझसे तो प्लीज भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ठीक है ना, लिंक होता है डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको लगी हो ना कि इस वीडियो से मदद मिली है तो वो यार लाइक किए बिना जाना मत प्लीज भाई। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो, क्योंकि आपको ये चैनल हमेशा फायदेमंद साबित होगा। शेयर करो उनके साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर।